नमस्कार दोस्तों, आइए आज मैं आलू का रायता लेकर आई हूँ। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए। ये मैंने एक बाउल दही ले रखा है, मेरा होममेड दही है। ये मैंने आलू उबाल के छील के और पीस में काट लिए हैं, ये देखिए। और चाहिए चीनी, ये मेरा आधा चम्मच है। काला नमक 1/4 चम्मच, सफ़ेद नमक 1/4 चम्मच, भुना पिसा जीरा आधा चम्मच, काली मिर्च पाउडर आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच। अगर तेज़ खाती हैं तो लाल मिर्च ज़्यादा रखिए और काली मिर्च ज़्यादा रखिए। और थोड़ा सा है धनिया पत्ता, और ये मेरे पास पुदीने के पत्ते मैंने सुखा कर रखे हैं, मेरे पूरे साल रहते हैं मेरे पास। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका रेसिपी आपको अपने वीडियो पे डालूंगी। अगर मेरे किसी व्यूवर्स ने उससे बोला तो मैं ज़रूर डालूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पुदीने के पत्तों को मैं क्रश कर लूँगी। तो चलिए बनाते हैं, और इसके लिए मैं लूँगी एक बड़ा बाउल। तो मेरे पास एक बड़ा बाउल है, और इसमें मैं सभी सामान को एक पुदीने के पत्ते को छोड़ के मैं डाल लूँगी। और अब मैं पुदीने के पत्ते को क्रश कर लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने पुदीने के पत्ते को क्रश कर लिया, और अब मैं इसको भी इसमें डाल देती हूँ। और अब मैं डालती हूँ इसमें दही, और अच्छी तरह दही डाल के फेंट दूँगी। तो चलिए हम डाल लेते हैं इसमें दही, और इसको हम फेंट लेंगे। तो चलिए मैं इसे अच्छी तरह फेंट लूँगी। तब तक फेंटूँगी जब तक हमारा चीनी इसमें मिल ना जाए। तो चलिए हम अच्छी तरह इसको फेंट लेते हैं, और अब मैं इसमें आलूओं को डाल देती हूँ। और इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। इसको बहुत तेज़ी से अब हमें नहीं चलाना है, वरना हमारे आलू बिल्कुल टूट जाएंगे। इसको बिल्कुल हल्के हाथों से चलाना है। तो चलिए इसको हल्के हाथों से चला लेते हैं, और अब ये हमारे सर्व के लिए तैयार है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए, हमारा रायता तैयार है। तो आपके पास भी कोई है तो मुझे बताइए रायते का रेसिपी। बनाइए, खाइए, अपने दोस्तों को खिलाइए। और मेरे से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरा कोई भी रेसिपी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।